सो गाइस वेरी गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम से फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर। जैसे कि हम सभी को पता है बिटकॉइन का हालविंग काफ़ी करीब आ चुका है, उस हिसाब से देखा जाए तो बिटकॉइन एक अच्छा खासा मोमेंटम शो कर रहे हैं। बहुत से लोग फिलहाल काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे हैं या बहुत से अभी भी डाउट में है कि बिटकॉइन कहाँ तक जाएगा, तो इसने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो एटलीस्ट ये वीडियो आप देख रहे हो। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो अपलोड करता हूँ ना उसके अंदर मैं लेवल एक्सप्लेन करता हूँ भाई, कौन से लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कहाँ जाएगा और अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो मार्केट कहाँ पर जाने का चांसेस है। तो आप पिछले वीडियोज़ देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो और अदर सोशल मीडिया को फॉलो करो, ट्विटर को जाकर फॉलो कर सकते हो जहाँ पर आपको इंस्टेंट अपडेट मिल सकते हैं। ओके फिलहाल हम बात करेंगे टोटल मार्केट कैप का, वीक बेस पर हम बात करेंगे क्या अवेलेबल चांसेस है फिलहाल करंट सिनेरियो के अंदर। देखिए सेम वही कंसेप्ट है, लास्ट टाइम जो मैंने आपको अपडेट दिया था वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है। करंटली जो फिलहाल वीकली कैंडल क्लोजिंग है 2 दिन 16 घंटे के बाद मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग करेगा और ये जो कैंडल फिलहाल बन रहा है ये एटलीस्ट अगर यहाँ पर लग जाती है तो उसके बाद भी हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर ब्रेकआउट देगा तब हमको पता चल सकता है कि भाई मार्केट नेक्स्ट कौन से लेवल पर जा सकता है या अगला उसका मार्केट का लेवल कौन सा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट का एक रेजिस्टेंट लेवल है। ठीक है, मार्केट का ये टोटल मार्केट कैप का 26 बिलियन डॉलर का रेजिस्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेकअप करता है तो हम ये मानेंगे कि भाई मार्केट फिलहाल यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो फिलहाल ये लेवल हमारे पास अवेलेबल है, तो जो लोग फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए या जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मार्केट अभी तक बुलिश हुआ है नहीं हुआ टोटल मार्केट कैप के हिसाब से, तो ये लेवल ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस हमारा जो ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड लाइन जो हमारा ब्रॉड कैटेगरी में जो पैटर्न बन रहा था उसके हिसाब से भी यहाँ से मार्केट अगर ब्रेकआउट होता है तो जाकर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि मार्केट हमारा अच्छा खासा बुलिश हो सकता है। अगर जब तक मार्केट लेवल ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम कोई भी यहाँ पर एजम्पशन नहीं लेने वाले। तो ये अपडेट था टोटल मार्केट कैप का। अभी हम देखते हैं बिटकॉइन टेक्निकल एनालिसिस। बिटकॉइन का जो लास्ट वीक का मोमेंटम था, जैसे कि हम पिछले कैंडल के बात किए थे, करंट कैंडल की अगर हम बात करें तो 2 वीक का कैंडल यहाँ से यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। 2 वीक का कैंडल आपको देखने को मिला है, उसके पहले की अगर बात करें तो इतना हमको हेल्दीनेस देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ से हमको काफ़ी इस 3 को भी अगर हम ले रहे तो काफ़ी हेल्दी कैंडल हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो फिलहाल मार्केट सेम स्ट्रक्चर में अवेलेबल है। जो लोग मुझे पूछ रहे कि सर बिटकॉइन क्या अभी बुलिश हो चुका है, तो उनके हिसाब से ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लेवल को वॉच रखो, 10,200 डॉलर के करीब का लेवल, पर मेरे हिसाब से आपको इसके शेडो को अंडर लेवल में लेना चाहिए क्योंकि 10,500, ठीक है, 10,500 का लेवल जब तक मार्केट ब्रेकअप करके पुल बैक नहीं लेता या ब्रेकआउट नहीं करता इन शॉर्ट, तो जब तक आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए या आप ये नहीं कह सकते कि भाई फिलहाल मार्केट एक बुलिश हो चुका है, क्योंकि ये लेवल मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको उस लेवल को वॉच करना चाहिए। जब तक मार्केट उस लेवल को ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम नहीं मानेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिटकॉइन के अंदर जो करंट में हमारा जो ब्रॉड कैटेगरी में जो पैटर्न बन रहा था उसके हिसाब से देखा जाए तो 2 दिन के बाद अगर ये कैंडल इसी हिसाब से क्लोज होता है तो हमारा ब्रेकआउट तो इस स्ट्रक्चर यानी जो पैटर्न है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कन्फर्म वैलिड माना जाएगा। लेकिन फिलहाल ये लेवल हमारे पास अवेलेबल है, ये लेवल को भी हमारे पास ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग बिटकॉइन में फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे तो सर 500 का लेवल वो वॉच कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हो और ये मान सकते हैं कि फिलहाल बिटकॉइन जो रहेगा आने वाले टाइम के अंदर और भी हायर लेवल पर जा सकता है। इस पैटर्न के हिसाब से अगर बात किया जाए तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 14,980, मतलब एक राउंड फिगर के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग $15,000 के करीब देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम प्राइस एक्शन प्लस चार्ट पैटर्न दोनों को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो ये लेवल हमारे पास ब्रेकआउट होना मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट जहाँ तक पैटर्न की बात है तो पैटर्न जो ब्रॉड कैटेगरी में बन रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रेकआउट हो चुका है और काफ़ी हेल्दी तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन नहीं था उसके हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है। ये लेवल हमारे पास है अवेलेबल, अगर हम उसको और भी आसान कर देना तो देखिए एक बार अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है ना तो ये लेवल भी ब्रेकआउट इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 14,000 ये जो लेवल है 13,900 का है और इस पैटर्न के हिसाब से 15,000 के करीब मार्केट को जाना है, तो मतलब ये लेवल भी इजीली मार्केट ब्रेकअप कर देगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बचता है वो रहेगा 16,000 का और उसके बाद का जो लेवल हमारे पास बचता है वो है ऑलमोस्ट हमारा ऑल टाइम हाई के नियरेस्ट का जो क्लोजिंग प्राइस था 18,995, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 का लेवल हम पकड़ के चल सकते हैं।
ठीक है। तो ये लेवल फिर इजीली हमारे पास ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है क्योंकि मल्टीपल सिनेरियो को यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, हम चार्ट पैटर्न को ऐड कर रहे हैं, हम मार्केट को स्विंग स्ट्रक्चर को ऐड कर रहे हैं, हम मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, मल्टीपल तरीके से हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए मार्केट एक्जैक्टली कहाँ पर जाना चाहता है या मार्केट आने वाले टाइम पर कहाँ पर हिट करेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत हमको पॉजिटिव वे देखने को मिल रहा है क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट इसको पॉजिटिव वे में ब्रेकआउट किया, लेकिन 2 दिन 16 घंटे के बाद हमको ये कंफर्म हुआ। क्यों? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हम नोटिसेबल कर रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्लोजिंग होना चाहिए, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा वैलिड कंफर्मेशन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो बिटकॉइन के लिए लेवल्स बता चुका हूँ, 10,500 का लेवल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है बिटकॉइन के लिए, वो लेवल ब्रेकआउट लेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ब्रेकआउट नहीं लेता है तो फिर शायद हमको उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा, मार्केट कहाँ पर भी मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, जो लास्ट वीडियो का एनालिसिस है फिर मार्केट वो हिसाब से फॉलोअप ले सकता है। इथेरियम का वीडियो, इथेरियम का एनालिसिस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इथेरियम मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम से एक लेवल ऑफ जोन में फंसा हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि भाई एक लेवल में वो एक्यूमुलेशन कर रहा है या मार्केट एक स्ट्रक्चर एक लेवल में स्टक हो चुका है। देखिए हमेशा देखा गया जहाँ पर भी मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है उसके बाद मार्केट में एक तेज़ी से देखने को मिलता है, एक पंप देखने को मिलता है। एक्सपर्ट्स के बोले बात किया जाए तो मतलब उनके एनालिसिस के हिसाब से एक्यूमुलेशन जहाँ पर भी होता है वहाँ पर बेसिकली बड़े वेल्स, बिग इन्वेस्टर्स, हैज फंड्स लोग बाय करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया है कि जहाँ पर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन मैं इथेरियम की बात कर रहा हूँ, तो इथेरियम के ऊपर भी काफ़ी बड़े बड़े लोग वेल्स लोग उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इथेरियम जो लोग परचेस नहीं किए हैं तो मेरे हिसाब से कुछ इथेरियम परचेस करके रख लो, आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से आपको 10x इंशाल्लाह ताला मिलने का चांसेस है। यहाँ पर मैं किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद परचेस किया इथेरियम को और मेरा जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि इथेरियम कहाँ पर जाएंगा आने वाले टाइम के अंदर, तो वही हिसाब से अगर बात किया जाए तो 10x इंशाल्लाह ताला आपको मिल सकता है। तो अगर आप 10x की बात करें तो $200 अवेलेबल है, मतलब $2,000 तक ईजिली इंशाल्लाह ताला जाने का चांसेस है। ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो $1,400-1,500 के करीब है। बेस्ट टाइम है एक्यूमुलेशन का, लोग मुझे कन्फर्म तब पूछते तब है जब मार्केट यहाँ से अच्छा खासा हाई जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट बुल रन में निकलता है या मार्केट कोई बुल वेव स्टार्ट करता है तो लोग पूछते सर अभी बाय करना है क्या? अभी बाय करने का टाइम है, एक्यूमुलेशन टाइम अभी हो रहा है क्योंकि ये जो रेंज है लगभग आप देख सकते हो $124 से लेकर $200 का रेंज, मार्केट इस रेंज के अंदर $300 का रेंज, इस रेंज के अंदर काफ़ी टाइम से घूम रहा है और मार्केट इस लेवल के बिलो नहीं जा रहा है। हाँ, अगर दोबारा अगर आपको मौका मिलता है $80 पर बाय करने का तो $80 पर दोबारा बाय करो, बट यहाँ पर भी आप कुछ इथेरियम बाय करके रखो क्योंकि मेरे हिसाब से काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो मुझे दिख रही है फिलहाल इथेरियम के अंदर। हर तरीके से हर लिहाज से अगर आप फंडामेंटल के हिसाब से बात करो, इसके टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात करो या वो जिस तरीके से अपने स्पेस को एक्सपांड कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के लिए, उस हिसाब से बात करो तो काफ़ी बेहतर फ्यूचर आपको देखने को मिल सकता है इथेरियम के अंदर। तो अगर अभी तक परचेस नहीं किया है तो मेरे हिसाब से मंथली कैंडल के हिसाब से आप देखकर एक्यूमुलेशन को आइडिया लेते हुए परचेस कर लो। कुछ ना सही, अगर आप $2,000 अगर नहीं भी जाए तो यार एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन तो है कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई मतलब 1,400-1,500 के करीब तो जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको लॉस नहीं होने वाला है। ये टाइम होता है परचेज करने का, जब मार्केट अच्छा खासा निकल जाता तब लोग मुझे व्हाट्सअप मैसेज मेल करते हैं सर अभी परचेस करना चाहिए नहीं चाहिए, कौन से लेवल है हमें बताइए। भाई जब मार्केट एक्यूमुलेट करे ना तब परचेस करो, जब बॉटम बनाए, जब मार्केट एक साइडवेज स्ट्रक्चर में जाए वो टाइम होता है परचेस करने का, जब मार्केट हाई लेवल पर निकल जाता है वहाँ पर परचेस करके रिस्क हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। वैसे रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व है, अभी भी अगर आप परचेस करो तो अभी भी आपको रिस्क है, लेकिन सेफेस्ट रिस्क एक अगर बात किया जाए तो ये एक लेवल मेरे हिसाब से अवेलेबल है जो कि सेफेस्ट रिस्क के लिए अवेलेबल है। तो जिसको इथेरियम बाय करना है तो वो यहाँ पर बाय कर सकते हो। तो गाइस ये दो अपडेट था बिटकॉइन इथेरियम के ऊपर। अगर आप पर्सनल कुछ अपनी ओर से वीडियो डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो आप नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या कवर करूँ, कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं, कोई कॉइन के बारे में, कोई चीज़ के बारे में, कोई टेक्निकल कंसेप्ट के बारे में पूछना चाहो तो आप बेसिकली कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर पूछ सकते हो। फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।